में बीजेपी सरकार के अल्पमत वाले बयान पर भी पलटवार किया। साथ ही पानी के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनाते हैं आपको। ऐसा भी निर्णय उसको लेगा, वो निर्णय सर्वमान्य होगा। जो अधिकारियों ने जहां कहीं गड़बड़े की है और जो रिपोर्ट आई है हमारे पास कई स्थानों के ऊपर जिस प्रकार से वहां वातावरण खराब करने की बूथों के ऊपर काम किया गया और कई स्थानों के ऊपर ये भी कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि यहां पर बोगस वोट डालने की कोशिश की गई, कोशिश कई जगह डली भी है, उनकी भी हम जानकारियां ले रहे हैं। जिस भी बूथ के ऊपर इस प्रकार की घटना हुई है वहां पर जो भी चुनाव अधिकारी होगा या जो वहां पर उस चुनाव को मैनेज करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसी प्रकार से कार्रवाई। जिस प्रकार से वो बौखला करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रकार का कदम उठाया, उसको मालूम था कि बेटे को किस तरीके से जताया जाए, पर बेटा जीत नहीं रहा, ये मैं आज कह रहा हूं। उसने खूब प्रयास किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर तंत्र लगाया, दबंगता भी दिखाई। आज की तारीख टिल डेट आज एक तारीख है, आज भी पूरा पानी दिल्ली को हरियाणा दे रहा है, परंतु अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के पापों को दबाने के लिए, लोगों के अंदर इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना ये केजरीवाल की फितरत रही है। पिछले बार भी जब ये पानी दिल्ली को सिस्टम नहीं बना पाया, इसका ध्यान तो भ्रष्टाचार की तरफ था। मित्र हैं रणधीर गोलन जी और धर्मपाल गोंदर जी भी और सांगवान साग भी हमारे मित्र हैं, मिले थे और मैं मिलूंगा भी दोबारा फिर उनको। और ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, चार महीने का समय, सरकार में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी निर्णय उसको लेगा, वो निर्णय सर्वमान्य होगा। जो अधिकारियों ने जहां कहीं गड़बड़े की है